Pakistan Prime Minister may have regrets over not sharing good relations, but it does not reflect in the country's actions. His doublespeak has been exposed as the Pakistan Rangers continue to provoke India. Two BSF Jawans have been injured in this firing from the Pakistani side that started last night in the Araspura sector. Rawalpindi clearly then not sparing civilians either, with two minors injured in this firing. And with Nawaz Sharif's Saturday outreach meeting with deceit on Sunday, will India take up this issue with Pakistan when the foreign secretary level talks between the two countries happen in about 2 weeks from now? हाँ जी, जो फायरिंग हो रही है इससे लोगों में तो दहशत है, परंतु पाकिस्तान ने तो लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। दिन हो जा रहा तो फायरिंग होती रहती है, तो अभी तो बड़े बड़े शैल पड़े हैं, ये तो आपने देखा ही है। इधर दो लोग हमारे जख्मी भी हुए हैं। पाकिस्तान के नवाज शरीफ कहते हैं कि भारत के साथ वो अच्छे रिश्ते की बात करते हैं। बातों से रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, सिर्फ करने से होते हैं। अगर हम ऐसे कहें कि हाँ जी हमने आपके साथ दोस्ती कर ली, पीछे से पीठ में खंजर खोप दिया, तो वो अच्छी बात नहीं है। अगर नवाज शरीफ चाहते हैं कि हम दोस्ती करते हैं, तो पहले उन्हें ये जो सेलिंग होती है रोजाना, जो सिविलियन बेचारे अपने आराम से सोए थे, वो उनके ऊपर रोजाना फायरिंग होती है, बड़े बड़े शैल फेंके जाते हैं, पहले वो बंद करें, फिर कोई भी दोस्ती की बात फिर हो सकती है। ऐसे तो बेईमानी होगी कोई भी बात करना, हाँ जी हमने दोस्ती की है, परंतु रात को छुपके जहाँ ऐसे बात करते हैं, तो वो उसे अच्छा नहीं होगा। ये Pakistan fails to translate their words into deeds. This is a very crucial time. 15th August is around the corner, and then we are going to have the assembly election here in the state. And I'm right now at the banquet hall here in Arnia, which came under the Pakistan shells. You can see the intensity of shelling. I will ask my camera person to pan towards the rooftop that caved in, because one of the shells from Pakistan side landed here. This is not the only shell that landed here. Round about more than 20 shells have landed in this particular village of Arnia sector. Pakistan is not only targeting the BSF force, but they are also targeting the civilian areas. You can see the several bullet marks. These are the bullets that have hit these walls, and that has generated a kind of a fierce psychosis among the people. Two of the villagers nearby were injured when, because of the splinter injuries, one of the shell exploded there in their courtyard. आधी रात के बाद जब सिविलियन घर में बच्चे और बुजुर्ग सोए थे, तो ये मोर्टर शेल जो हैं वो दागे हैं। आप देखिए, ये यहाँ वेंकट हॉल है, यहाँ लोग अपने जो यहाँ के ऑनर हैं या यहाँ जो रखवाली करते हैं वो सोए थे। साथ में एक छोटा सा गांव है, वहाँ दो लोग सिविलियन इंजर्ड हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सीधा टारगेट जो है वो सिविलियन पे है, ये कोई पोस्ट पे फायरिंग नहीं हुई है। हैवी शेलिंग जो है वो पाकिस्तान ने दोबारा की है, और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ डायलॉग प्रोसेस जो बार बार हम करते हैं, बार बार पीस का हम दुहाई देते हैं, लगभग 20 साल से लगातार ये पूरा एरिया जो है वो साफ टारगेट रहा है पाकिस्तान फायरिंग का। हमारे लोग मरे हैं, इंजर्ड हुए हैं, हमारे जो जवान हैं वो मरे हैं, इंजर्ड हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा ये तो सीधा ह्यूमन राइट वायलेशन है। एक इंसान जो रात को अपने घर में सोता है, जिसको पता नहीं है, उन पर फायरिंग करके उनके घर के अंदर गोली आती है और वो जख्मी होते हैं, मरते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये मानव अधिकारों का हनन नहीं तो क्या है? इट इज टोटली ह्यूमन राइट वायलेशन।